बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। यह है चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, क्लास 9 का मैथ है और हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 आज करेंगे सॉल्व। मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई ए स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। ठीक है, ये हमारे पास कुछ मैट्रिसेस गिवन है, 9 मैट्रिसेस हैं और हमने इसकी टाइप को डिटरमिन करना है, ये कौन सी टाइप का, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रो और एक्सेट्रा, ये कौन सी जो है ये टाइप को बिलोंग करता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से, -8, 2, 7, 12, 0, 4। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है और हमने इसका फाइंड करना कौन सी टाइप है। तो हम इसकी सबसे पहले रोज और कॉलम्स को काउंट करेंगे। रो नंबर 1, रो नंबर 2, ये है R1 और ये है R2, टू रोज और कॉलम्स हम डिनोट करेंगे ब्लैक से। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, C1, C2, C3। तो अगर हम चेक करें तो ये 2x3 मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, दिस इज अ 2x3 मैट्रिक्स। तो हमने आपको थ्योरी में बताया कि जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है वो एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, मतलब इसकी जो मैं इधर लिख देता हूँ, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 3। ठीक है, और प्लस हम इसकी रेक्टेंगुलर एक शेप भी नजर आ रही है। ठीक है, ये भी एक हमारे पास क्लू है। ठीक है, तो इसके 2x3 इसके रोज ऑफ नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये हमारे पास डिटरमिन हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, हम नेक्स्ट पे आएंगे। ये इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है तो हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम इसको जो है अब हम इसकी भी रोज एंड कॉलम्स फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो है ये एक और टाइप में भी आ सकता है, इसकी टू टाइप्स हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, R1, R2, R3 और कॉलम हमारे पास एक ही नजर आ रहा है, C1। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है 3x1 मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि हमने आपको बताया थ्योरी में कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज सच अ मैट्रिक्स हुज नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल, इसकी रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं है, प्लस हमारे पास ये रेक्टेंगुलर शेप भी नजर आ रही है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स और प्लस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग ये वाला रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है हमारे पास लैक ऑफ स्पेस है तो हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट उस पर आएंगे, नेक्स्ट मैट्रिक्स पे, 6-4, 3-2। ठीक है, हम इसकी काउंट करेंगे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। नंबर ऑफ ये रो 1, रो 2, R1, R2। ठीक है, और इसी कॉलम्स नोट करेंगे ब्लैक से, C1, C2। तो ये आता है 2x2 मैट्रिक्स, 2x2। ठीक है, अब ये 2x2 मैट्रिक्स आता है तो हमने आपको थ्योरी में ये भी बताया था कि जो मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सच ए मैट्रिक्स हुज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। ठीक है, और आपको इसमें भी इसकी एक स्क्वायर शेप नजर आ रही होती है, ये भी आपके पास क्लू होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम
इधर एक ऐसे लाइन लगा देते हैं इसको सेपरेट करने के लिए। अब हम आते हैं नंबर 4, 1001, ठीक है। हमने आपको लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें सॉल्व किया था, हमने आपको उसमें बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है उसके डायगनल एंट्रीज जो है वो सारी 1 होती हैं। तो इसके अंदर जो डायगनल एंट्रीज हैं ये दोनों 1 हैं, तो हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं और इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट मैट्रिक्स और साथ इसके नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है। क्यों? रो 1 और रो 2 और ये कॉलम 1 और कॉलम 2, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, लास्ट पार्ट में हम देखा कि इस मैट्रिक्स की भी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, ठीक है। तो हमने इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहा था, तो हम इसको भी कह सकते हैं कि दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। दिस इज अ स्क्वायर, हम लिख देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये इसके भी टू टाइप्स हैं, ये यूनिट मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसकी डायगनल एंट्रीज 1 है, यूनिट मतलब आइडेंटिटी, और ये जो है स्क्वायर मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, R1, R2, R3, ठीक है। और इसे कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2, C1, C2, तो ये हमारे पास आता है 3x2 मैट्रिक्स, ठीक है, 3x2। तो हमने आपको बताया थ्योरी में कि जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है वो एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट है 3, 10, -1, ठीक है। हमें नजर आ रहा है कि इस मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ एक रो अवेलेबल है, ठीक है, इसमें सिर्फ 1 हॉरिजॉन्टल रो ऑफ एंट्रीज है, तो हम इसको कहेंगे रो मैट्रिक्स। प्लस अगर हम इसकी चेक करें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये 1 रो और ये 3 कॉलम्स, C1, C2, C3, इसके नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, प्लस हमें इसमें रेक्टेंगुलर शेप भी नजर आ रही है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम आएंगे पार्ट नंबर 7 पे, 1, 0, 0, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसके जो है आपको एक इसमें बताते हैं कि ये एक आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स है, क्यों? क्योंकि इसका डायगनल जो है वो ऐसे बनता है, ऐसे, अगर हम इसको मतलब अगर ये बड़ा मैट्रिक्स होता तो इसका ऐसे बनता है डायगनल। तो ये फर्स्ट एंट्री हमारे पास 1 है, तो हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज अ यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, यूनिट मैट्रिक्स में सिर्फ डायगनल एंट्रीज होती हैं 1 और बाकी सारी होती हैं 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूनिट मैट्रिक्स, प्लस 3 रोज एंड 1 कॉलम, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, सो वी कैन से दैट दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे, ये है 1, 2, 3, -1, 2, 0, 0, 0, 1, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, ठीक है। ये 3 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं, तो हमने आपको बताया कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, ठीक है, तो दैट इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमारे पास ये लास्ट मैट्रिक्स है, हमारा लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ठीक है। अब हमने आपको ये भी बताया कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्री 0 हो, दैट इज नोन एज नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। प्लस हमें इसमें ये भी प्रॉपर्टी नजर आ रही है कि ये 1, 2, 3 रोज और 1 और 2 कॉलम्स, सो नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हमने आपको बताया था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, उसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर
मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरह हमने अपना कंप्लीट किया एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2।